गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश को भक्त ले जाने के लिए कई प्रकार के जतन कर रहा है, लेकिन भगवान को भोग के रूप में फूल से भी एक ऐसी चीज है जिसे नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। अभी सभी जगह देखने जा रहा है, पूरे भारत वर्ष में भगवान गणेश जी महाराज का उत्सव चल रहा है और गणेश जी महाराज को रिझाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, नाना प्रकार का उनको भोग लगा रहे हैं, कहीं मिष्ठान लगाया जा रहा है, कहीं मोदक लगा रहे हैं, कहीं मावा लगाया जा रहा है। तो उसी प्रकार भगवान के पूजन में कुछ विशेष वस्तु होती है और कुछ वस्तु होती है जो भगवान को भूल करके भी गणेश जी महाराज को न चढ़ाना चाहिए। ऐसा ही एक तुलसी कहा गया है जिसे भगवान गणेश जी महाराज के पूजन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमारे भारत में पौराणिक कथा चलती है। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी महाराज अपने तप में लीन थे, ध्यान में लीन थे, उसी समय वहीं से तुलसी देवी का वृंदा जिसे वृंदा भी कहा जाता है वहां से उनका जाना हुआ और भगवान गणेश जी महाराज को जिस प्रकार अपन देखते आनंद मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते, बड़े सुंदर दिखाई देते, उसी प्रकार वो बड़े अच्छे से वहां पर तप में लीन होकर के बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। शरीर से चंदन की महक आ रही थी, बदन पर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, बाजूबंद आदि धारण किए। इस प्रकार का सुंदर स्वरूप देख कर करके तुलसी जी भगवान गणेश जी महाराज पर मोहित हो गई और भगवान गणेश जी महाराज के पास में विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए चली गई। जैसे ही उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान गणेश जी महाराज का तब भंग हो गया। इस कारण भगवान गणेश जी महाराज ने के सामने जब विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने कह दिया मैं ब्रह्मचारी इस प्रकार का कह दिया। इस प्रकार का जब कहा गया तो तुलसी जी ने भगवान गणेश जी महाराज को कह दिया कि आप अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हो और तुलसी देवी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको कि एक नहीं दो दो विवाह होंगे, आपकी दो शादी दो पत्नियां होंगी, इस प्रकार का श्राप दे दिया। इसी प्रकार जब गणेश जी महाराज को इस प्रकार का श्राप मिला तो गणेश जी महाराज भी क्रोधित हो गए, क्रोध में भर कर कर कहने लगे कि मेरी तो दो शादी होगी परंतु मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जो मुझसे विवाह करना चाहती थी आपका विवाह राक्षस कुल में होगा, इस प्रकार कह दिया। इसी प्रकार जब श्राप दिया गया कुछ समय पश्चात जब तुलसी जी ने भगवान गणेश जी महाराज से समायोचना करी तो भगवान गणेश जी महाराज उन पर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि श्राप तो वापिस नहीं लिया जा सकता परंतु इसमें यह कहा कि भगवान हरि विष्णु भगवान के पूजन में आपका उपयोग होता, आप सबके लिए मोक्षदायिनी रहोगी परंतु हमारे पूजन में आपका उपयोग नहीं होगा। इसी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी महाराज के नैवेद्य में तुलसी नहीं अर्पित की जा सकती की जाती है, उसकी जगह तुलसी की जगह भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा का अर्पण किया जाए, उन्हें दुर्वा चढ़ाया जाए। दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश जी महाराज धन्य धान्य की आदि की प्रसन्नता लाते हैं और घर में सुख समृद्धि आदि बनी रहती है।